अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद रैनीज़ किचन। एज वी ऑल नो दिस इज़ डे 13 ऑफ 30 डेज रमदान स्पेशल सीरीज एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 5 टीस्पून्स के करीब ये कस्टर्ड पाउडर मैं एक पैन में ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 6 टीस्पून्स चीनी इसमें ऐड करूँगी। 5 टीस्पून्स कस्टर्ड पाउडर के लिए 6 टीस्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल परफेक्ट रहता है, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको परफेक्ट वाली मेजरमेंट बता दी है। अभी यहाँ मैंने क्रिस्टल वाली शुगर यूज़ की है क्योंकि अभी हम इसे कुक करने वाले हैं, कुक होने के बाद ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है, और इतने कस्टर्ड के लिए मैं आपको एंड में बताऊंगी कि टोटल कितना पानी हम यूज़ करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इसे अच्छे से 1-2 बार मिक्स कर देंगे, स्टोर कर देंगे और फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। अब मैंने इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर दिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, साथ साथ में ही मैंने 1/2 कप मिल्क और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी और 1.5 कप मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसे हम देखेंगे, अगर ये इस तरह का थिक हो जाता है तो मैं इसमें अब पानी ऐड करूँगी, और जिसके लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है, तो तकरीबन 3 कप पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इस कस्टर्ड को कुक करने के लिए, क्योंकि अभी इस मिक्सचर में बॉईल नहीं आया था, तो अभी हमें इसे और कुक करना है, और ऐसा करने से ये और ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और आपने भी इसे इस तरह से देखना है कि बॉईल आने से पहले अगर ये काफ़ी थिक हो जाए तो आपने इसमें पानी या दूध जो भी आप प्रेफर करें यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, और अभी इसमें बॉईल भी आ रहा है, तो इस स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर टॉप पर ही छोड़ दूंगी। इधर आपने जो भी फल पसंद हो वो आप चॉप कर सकते हैं, और चॉप करके अपनी पसंद से आप किसी भी तरह से इस कस्टर्ड को सर्व कर सकते हैं। इस कस्टर्ड को हम कई सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, आज कस्टर्ड केक, और बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं सभी फ्रूट्स को मिक्स करते हुए इस कस्टर्ड को रेडी करूँगी।